brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. नहीं, हमें अपना बचाव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बताया ना, रायबरेली की जनता गांधी परिवार के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त रहती, वो पूरी तरह से आज से नहीं 500 साल से, और उसका गांधी परिवार ने उसके विश्वास की रक्षा भी की। आपके बीच आपके ही परिवार का सदस्य आएगा प्रियंका जी, और जैसे आपने कहा ना कि जो कांग्रेस छोड़ के जाते भैया, आप जो कांग्रेस छोड़ के गए हैं इनका इतिहास उठाकर देखिए, जब 2004 में कांग्रेस की सरकार बनी उसके बाद ये सरकार के साथ भी हम लोगों के पास आए। राजनीतिक बयार अपने उफान पे है, तापमान 40 के पार है, और ऐसे में अब विपक्षी पार्टियों के नेता भी सड़कों पे आ चुके हैं, और हो भी क्यों ना, आखिर कन्नौज से अखिलेश यादव ने नॉमिनेशन कर दिया है, तो उनके प्रमुख साथी रायबरेली से नॉमिनेशन के लिए तैयारी में लग गए हैं। कांग्रेस पार्टी की पूरी जिला कार्यकारिणी यहाँ आ चुकी है, और ऐसे में हम इनसे पूछते हैं कि आखिर उत्साह कितना है, क्या लगता है प्रियंका, राहुल रायबरेली में जीत? दोनों जगह से चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी प्रत्याशी की जमानत जब्त होगी। कितने से जीतेंगे आप? हम लोग को उम्मीद है एक नया चुनाव होगा, जो जनता में उत्साह, जो हम लोगों में गुस्सा है, रायबरेली की जनता ऐसा चुनाव लड़ने को तैयार है कि जैसे खुद का चुनाव हो। प्रियंका गांधी के नाम घोषणा का बस इंतजार कर रही हूँ। तो हम लोग 5 लाख पार होंगे, और मुझे तो लगता है इसके ऊपर भी जा सकते हैं, क्योंकि एक एक व्यक्ति के अंदर इतना उत्साह, हम लोग बस वोट करने के तैयार बैठे हैं तन मन धन से, क्योंकि प्रियंका गांधी का ये परिवार है, इंदिरा गांधी जी की वो पोती हैं, और वो हमारी बड़ी बहन है, हम सब महिलाएं एक एक वोट करने के लिए तैयार हैं, और अगले की जमानत जब्त होगी। कितने साल से प्रियंका गांधी सोनिया गांधी जी के साथ आप काम कर रहे हैं? 2014 से हूँ मैं, और प्रियंका जी के साथ काम कर रही हूँ 2004 से। जब ये थोड़ा ये अमेठी में प्रियंका जी अपने फादर के साथ आई थी, उससे पहले चुनाव में अंतु में गांव धौरहरा में तब मैं थी, तब मैं बहुत छोटी थी, तब वहां पर आई थी। तो अब तब आप छोटी थी, तो वो भी बहुत छोटी रही होंगी, वो भी बहुत, और अभी वो पहली बार राजनीतिक पारी की शुरुआत करने जा रही है, तो क्या लगता है तब में हमें क्या परिवर्तन आ गया होगा? वो पहली बार नहीं शुरुआत कर रही है, वो तो जब छोटी थी तभी से उन्होंने शुरुआत कर दी थी, लेकिन अब मैदान में पूरी तरीके से आ रही है। अब मैदान में पूरी तरह से आ रही है, कि क्या लगता है आपको, तैयारियां कैसी हैं आपकी? बहुत ही जोरदार तैयारियां हैं, और ईद का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। मेरी प्रियंका जी इतनी समर्थ हैं कि वो बहुत ही अच्छे से करेंगी अपना, चूँकि आज की नहीं है, उनकी रग में ही कांग्रेस का और अपने नेतागिरी का जोश भरा हुआ है। वो प्रियंका नहीं वो आंधी है, दूसरी इंदिरा गांधी है। प्रियंका नहीं वो आंधी है, दूसरी इंदिरा गांधी है। पहली बार वोट डालेंगी आप? जी पहली बार। क्या नाम आपका? श्वेता सिंह। श्वेता क्या करती हैं आप? अच्छा वकील हो। हाँ। तो कानूनी दांव पेज अब यहाँ चुनाव में कैसे लगाओगी? अब लगाएंगे, अब जुड़े हैं, धीरे-धीरे कोशिश करेंगे। ओके, ये बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, तैयारियाँ शुरू कर रखा गया। आशीष जी, ये तैयारियाँ आज शुरू हुई हैं, ये काफ़ी पहले से आपको पता था, क्यों वक्त का इंतजार था? देखिए कांग्रेस प्रत्याशियों का इंतजार नहीं करती, पूरे 5 साल मैदान में रहती है, बूथ पे रहती है, समाज में रहती है, वर्कर के बीच रहती है, जनता के बीच रहती है। चुनाव की तैयारी में विशेष खाली इतना होता है कि हम अपने कील कांटे दुरुस्त करते हैं, वो हमने अब दुरुस्त कर लिए हैं। और रही बात प्रत्याशी की घोषणा की, तो कांग्रेस पार्टी के प्रत्येक वर्कर को, प्रत्येक समर्थक को यह विश्वास था कि गांधी परिवार ही हमारी नुमाइंदगी करेगा, जो कि सोनिया जी ने अपने राज्यसभा जाने से पहले रायबरेली को लिखे पत्र में से हम लोगों को इशारा दे दिया था, स्पष्ट कर दिया था कि रायबरेली की जनता से उन्होंने अनुरोध किया कि अपना प्रेम स्नेह व सहयोग पूर्व की भांति मेरे परिवार के साथ बनाए रखेगा, जिसके बाद यह स्पष्ट हो गया था कि गांधी परिवार हमारी नुमाइंदगी करने वाला है। हम तो सिर्फ औपचारिक घोषणा की प्रतीक्षा कर रहे हैं, बाकी हमने अपना सांसद चुनने की ओर हम अग्रसर हो चुके हैं। अच्छा, औपचारिक घोषणा का इंतजार कर रहे थे, बाकी तैयारियां इनकी थी। हालांकि विपक्ष यहाँ का जो सत्ता पक्ष है, जो आपके विरोधी, वो कहते हैं साहब आपको कुछ पता ही नहीं होता, क्योंकि धीरे धीरे करके आपके लोग कट जा रहे हैं, शाम को आपके यहाँ होते हैं, रात आते आते वो भाजपा ही हो जाते हैं। क्या लगता है विजय जी आपको, काफी दिनों से आप कांग्रेस को देख रहे हैं, जहाँ तक मुझे याद है 7, 12, 14, 17, 19, 22 और अब 24, कैसे डिफेंड कर पाएंगे अपने आप को? नहीं, हमें अपना बचाव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बताया ना, रायबरेली की जनता गांधी परिवार के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त रहती, वो पूरी तरह से आज से नहीं 500 साल से,
और उसका गांधी परिवार ने उसके विश्वास की रक्षा भी की। तो परस्पर एक दूसरे के विश्वास का हम लोगों का संबंध है। हम लोगों के लिए कौन पार्टी क्या कर रही है मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि जनता के प्रति हमारी जो जवाबदेही है वो हम पूरी तरह से संजीदगी के साथ निर्वाहन करते हैं, और जनता भी जब चुनाव आता है तो हमें पूरी संजीदगी के साथ हमारे प्रत्याशी को, गांधी परिवार की नुमाइंदगी को स्वीकार करती है। आज भी आप देख लीजिए कि जनता चुनाव लड़ रही है, कहने के लिए विरोधी कह रहे हैं कि नहीं नामांकन में या प्रत्याशिता के उद्घाटन में उद्घाटित करने में अभी विलम्ब है, लेकिन वास्तविकता यह है कि यहाँ चुनाव चल रहा है। कांग्रेस पार्टी के लिए जो प्रियंका जी हैं उनके लिए जनता चुनाव लड़ रही है, यहाँ लगातार चल रहा है। हम कोई बैठे नहीं है, न कांग्रेस संगठन बैठा है न जनता बैठी, वो अपना काम कर रही है। बाकी रही प्रियंका जी के आधिकारिक घोषणा की बात, तो वो चूंकि स्टार प्रचारक है, राष्ट्रीय स्तर के नेता है, जब उनको लगेगा, क्योंकि 3 मई तक यहाँ नामांकन होना है, तो जब उनको लगेगा कि हाँ अवसर है तो वो 20 मिनट समय निकाल के यहाँ नामांकन करने आ जाएंगे, बस इतना सा है। अवसर मिलेगा नॉमिनेशन में वो आएंगी, हालांकि पब्लिक गांव-गांव इनकी जा रही है, यानी कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं इनको इससे फर्क नहीं पड़ता कि तेज गाड़ियां हैं, हायरन है, हूटर है, ये वो नहीं सोचते। इनका मानना है कि हम हमेशा ग्राउंड पे ही रहते हैं। राहुल, कैसे सत्ता की हवाएं, उसके बाद आपके साथी एक एक कर कांग्रेस छोड़ के बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, ऐसे में कितनी चुनौती मानते हैं? अब देखिए, रायबरेली में कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि मेरे भाई ने भी बताया, विनय भैया ने बताया, रायबरेली में ये घर है गांधी परिवार का। रायबरेली की जनता और गांधी परिवार एक दूसरे से परस्पर मिले हुए हैं, एक दूसरे के प्रति उनकी संवेदनाएं हैं, भावनाएं हैं। यहाँ हर व्यक्ति, आज अभी आज तक का कार्यक्रम था, वहाँ गांव की बहुत सारी महिलाएं आ गई, महिलाओं ने खुलेआम कह दिया कि प्रियंका जी को लड़ना चाहिए, प्रियंका जी लड़ेंगी। इस बार रायबरेली की जनता ने ठाना है, 10 साल की सरकार देखी है भाजपा की, जनता ने एक एक वोट प्रियंका गांधी जी को मिलेगा, और रिकॉर्ड मतों से, हिंदुस्तान में रिकॉर्ड मतों से प्रियंका गांधी यहाँ जीतेंगी रायबरेली से। प्रियंका गांधी रिकॉर्ड मतों से जीतेंगी, उनके सारे आंकड़े, यानी कि गांधी परिवार का टोटल रायबरेली की निधि का निर्वहन करते हैं नगर अध्यक्ष हैं धीरज श्रीवास्तव। धीरज, कितना काम उनकी अनुपस्थिति में आप देख पाए? दूसरा सवाल कि आखिर 5 सालों से गांधी परिवार की दूरी रायबरेली के लिए चुनावी मैार में कितना असर डालेगी? देखिए, जो दूरी की बात आप कर रहे हो, दूरी कभी थी ही नहीं। सोनिया जी अस्वस्थ हुई, लेकिन उसी बीच कोरोना जब आया था, तो आप याद करिए, रायबरेली संगठन का प्रियंका जी के निर्देश पे संगठन सड़कों पे था। जब सारे नेता भाग गए थे रायबरेली में, जितने तथाकथित नेता आप दिखते हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, आप कोरोना काल में उनको देखिए वो कहाँ थे। जब प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी यहाँ गैस सिलेंडर भिजवा रही थी अस्पताल में, लोगों के जनपद के बीच में, लोगों पीड़ितों के बीच में, तो ये नेता कहाँ थे? हमारे संगठन का कार्यकर्ता भोजन वितरण वार्डों में कर रहा था, ग्रामीण क्षेत्र में कर रहा था, तब ये नेता कहाँ थे? कौन सी दूरी की बात करते हैं? लगातार प्रियंका जी एक फोन पे 40 सिलेंडर अस्पताल को योगी सरकार नहीं दे पाई थी, 40 सिलेंडर 10 घंटे के अंदर जिला अस्पताल को दिया, और अपनी पूरी सांसद निधि, जो सबसे इस शताब्दी का सबसे खराब समय था, अपनी पूरी सांसद निधि दे दी ऑक्सीजन पाइपलाइन के लिए, तो हमेशा जनता के लिए खड़ी रही। और एक चीज बताऊं, निर्वहन उन्होंने यही रायबरेली की ही जनता के लिए नहीं किया था, जो रायबरेली की जनता अगर कहीं मध्य प्रदेश, राजस्थान, भोपाल जहां भी रह रही थी, अगर वो संकट में थी, तो आदरणीय हमारे सांसद प्रतिनिधि केएल शर्मा जी और प्रियंका जी लगातार उन पर नजर रख रहे थे, और जैसे ही यहाँ रायबरेली कांग्रेस में मैसेज आता था, उनको वहाँ उन प्रदेशों में सहयोग पड़ता था। और मैं बताऊँ एक बड़ी चीज, हमारा 12 करोड़ रुपए लगभग पास हुआ, शासन में रखा हुआ है, न सड़क का काम हो रहा, ना हमारी सोलर लाइट का काम हो रहा, ना हैंडपाइप का काम, के देरी किया तो चुनाव को देखते हुए इस योगी और मोदी सरकार ने रायबरेली की विकास को जैसा एम्स में रोका है, जैसे रेलवे कोच में रोका, उसी तरह जनजन में विकास ना पहुंच पाए, पिछले 6 महीने से फाइलें लटकी पड़ी हैं, पास होने के बावजूद वो क्रियान्वयन नहीं हो पाई, इसके जिम्मेदार मोदी और योगी सरकार के लोग होंगे। उनकी ये प्लानिंग क्यों होती कि आपकी फाइलें रोक ली जाए, ये वो क्यों करते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने रायबरेली में विकास किया है,
और पिछले 10 साल में भाजपा ने रायबरेली जिले को कुछ दिया नहीं है, और जो कांग्रेस ने दिया था 900 बेड का एम्स दिया था उसको भी लेकर गोरखपुर चले गए। तो वो ये चाहते हैं कि रायबरेली का जो विकास है, कांग्रेस ने रायबरेली जो विकास किया है वो विकास जनता तक न पहुंच पाए, इसलिए से जो कांग्रेस पार्टी के जो विकास के कार्य हैं, सांसद निधि के जो विकास के कार्य हैं, इस जिले की सम्मानित जनता को जो सांसद जी का प्यार स्नेह है वो ना पहुंच पाए, इसके लिए जो भाजपा की सरकार है और यहाँ जो भाजपा के लोग हैं वो अधिकारियों पर दबाव बनाकर हमारे काम को रोकने के लिए वो पूरी तरह से प्रयासरत रहते हैं। पब्लिक का इसने, गांधी परिवार का इसने पब्लिक तक ना पहुंच पाए, शायद इसलिए वो चीज़ों को रोकते हैं। मनीष, क्या लगता है चुनाव कितना होगा? अभी बीच में नगर पालिका का इलेक्शन हुआ था, उसमें इसमें क्या अंतर देखते हैं आप? जिस प्रकार नगर पालिका का चुनाव हुआ और जो कांग्रेस की जीत हुई, हमारी मतलब जो बहुमत से ऐतिहासिक जीत हुई, ठीक उसी प्रकार प्रियंका गांधी जो 5 लाख के पार से जीतेंगे ऐसा मेरा विश्वास है, और जो है रायबरेली की जनता का विश्वास है। मनोज भाई, आप तो गांव से रहते हैं, गांव की कहानी समझते हैं, क्या लगता है गाँव में क्या माहौल है, प्रियंका गांधी की आस या फिर भाजपा के साथ? इस समय कम से कम एक दिन में 8-9 निमंत्रण कम करते हैं, निमंत्रण जाने में केवल आदमी जो मिलता है भैया प्रियंका जी रायबरेली का बात है, उनका नामांकन कब होगा है? हम लोग उनका इंतजार कर रहे हैं, तो हम लोगों को यही करना पड़ता है कि आपकी इच्छा पूरी होगी, आपके बीच आपके ही परिवार का सदस्य आएगा प्रियंका जी। और जैसे आपने कहा ना कि जो कांग्रेस छोड़ के जाते भैया, आप जो कांग्रेस छोड़ के गए हैं इनका इतिहास उठाकर देखिए, जब 2004 में कांग्रेस की सरकार बनी उसके बाद ये सरकार के साथ भी हम लोगों के पास आए, और अब फिर उनको वहाँ भी दिख रहा है, जो 2004 के पहले का कांग्रेसी था वो आज भी कांग्रेस में, 2004 के बाद जो आए थे आया राम गया राम वो फिर हमारे बीच से चले गए। आप ये मानते कि आया राम और गया राम जैसे लोग एक बार फिर जब आपकी खेतों में हरियाली होगी एक बार फिर वो आपकी तरफ आ जाएंगे? नहीं, अब की तो हम लोग ऐसा मतलब बाड़ा लगाएंगे कि ऐसे आदमियों का प्रवेश हम लोगों के खेतों में न होने पाए, क्योंकि ये केवल खेत चरने आते हैं, तो इनके चरने का जो भोजन है वो योगी जी के साथ ही रहे, हम लोगों के साथ रहे, क्योंकि योगी जी के जानवर घूम रहे हैं, ये भी वो जानवर है जो घूमते रहते कभी इस दल में कभी उस दल में कभी उस दल में, इनका अपना कोई अस्तित्व, अगर अस्तित्व होता हम कार्यकर्ता हैं, वो भी कार्यकर्ता थे, और जब एक कार्यकर्ता अपने गांव की प्रधानी नहीं जीत सकता तो सोनिया जी के और प्रियंका जी के चुनाव में क्या इफेक्ट डालेगा, तो बिल्कुल खुली चीज है। ये मनोज जी ने बड़ी बात कही कि अब एक बार जानवरों के लिए लगाया जाने वाला बाड़ा वो कांग्रेस पार्टी में लगाएंगे, जो लोग हरियाली खा के जाते हैं अब इस बार उन्हें आने से रोक पाएंगे, युवा है इनसे क्या हम पूछते कि या ये क्या सोचते हैं? देखिए, सबसे पहले तो एक चीज़ बता दें, भारतीय जनता पार्टी का जो बीजेपी है बड़ी झूठी पार्टी, इसका पूरा नाम यही है कि बड़ी झूठी पार्टी, ये झूठ बोलने का काम और युवाओं के साथ, बीजेपी का फुल फॉर्म बता रहे हैं जी, बड़ी झूठी पार्टी है, और इसका मतलब ये है कि युवाओं के साथ इन्होंने 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा किया था और 1 करोड़ रोजगार, 1 लाख रोजगार भी इन्होंने नहीं दिया, और सबसे बड़ी बात है कि जो रेलवे भर्ती इन्होंने 2014-15 में निकाला था उसकी अभी तक पेंडेंसी चल रही है, UPP की भर्ती इन्होंने निकाला वो अभी तक पेपर लीक हो गया, उस पर अभी कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई है, तो इसका मतलब ये है कि ये युवाओं के साथ, किसानों के साथ, जो महिलाएं हैं उनके साथ सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने का काम करती है, होर्डिंगों में दिखती है भारतीय जनता पार्टी, जमीन पे कहीं भी भारतीय जनता पार्टी है नहीं, होर्डिंगों में दिखती है बीजेपी, जमीन पर कहीं है नहीं उसका अस्तित्व, ऐसा कहना है युवा नेताओं का। अभय खड़े हैं, शहर से 30 किलोमीटर दूर गाँव में रहते हैं, आखिर वो क्या सोचते हैं जब सत्ता से आप दूर होते हैं, नेता से दूर होते हैं, तो कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और खासतौर से तब जब किसी नेता को आप जिताते हैं और जिताने के बाद वही नेता दूसरी पार्टियों में चला जाता है। वो तो सत्ता के लालची है, उनको अपने पैसा कमाना है, उनको धन कमाना है, उनको पंचवटी जैसा महल बनाना है, रंग महल बनाना है, तो रंग महल बनाने वाले कांग्रेस में नहीं रहेंगे, ये तो जनता की सेवा करने वाले कांग्रेस में रहेंगे। अरे पंचवटी महल, रंग महल, किसके बारे में बात कर रहे हैं आप? अरे जहाँ तमाम पंचवटियाँ बन गई, कांग्रेस में आने के बाद बन गई है, कांग्रेस में आने के बाद तमाम सारे महल बन गए, ऐसा कहना है अभय जी का। और हम पूछते हैं, काफी उम्र दराज महिला है आप, इतनी धूप में कांग्रेस कार्यालय में कैसे आ गई अम्मा? हाँ, जन्म से है। तो आपने तो बहुत सारा दौर देखा होगा जी, इंदिरा जी से लेकर और आज तक देख रहे हैं, इन आंखों ने
उतरते चढ़ते सारे स्थिति को देखा, सुना, सबको देखा। आज जो भारत की स्थिति है, इतनी गंदगी हो गई, देख कर दुख होता है। जिधर देखो उधर क्राइम नाम मचा हुआ है। महिलाओं को देखिए, छोटी छोटी कन्याओं को के साथ क्या हो रहा है। जितने पढ़े लिखे नौजवान हैं सब बेकार बैठे हैं। परीक्षा भरी जा रही है, फॉर्म भरा जा रहा है, लेकिन वो परीक्षा ले रहे हैं और वही लीकेज भी कर दे रहे हैं। न्याय को देखिए, न्याय में क्या हो रहा है। जो भी केस जा रहा है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सारे वहाँ के कोर्ट के जितने भी क्या बोलते हैं उनको जज, ऐसा लगता है वो भी बिक चुके हैं। अपनी बात कह नहीं पा रहा है आदमी, क्योंकि उसका घर बुलडोजर से गिरा दिया गया। बहुत बड़ी बात कही इन्होंने। गांधी परिवार की चारों पीढ़ियों के साथ काम किया, चारों पीढ़ियों को देखा है। आप देख सकते हैं फिरोज जी, इंदिरा जी, राहुल जी, राजीव जी, सोनिया, प्रियंका और राहुल। और ये रायबरेली साहब सोनिया जी के साथ का जो दौर था अब वो खत्म हुआ, जो कि नया है प्रियंका गांधी की संभावनाओं के साथ आया है। जिला अध्यक्ष पंकज तिवारी हैं, हम उनसे पूछते हैं कि आखिर अचानक जो ये परिवर्तन की आस इनको समझ आ रही है, इसको कैसे देखते हैं, क्योंकि आज के बाद संभवतः घोषणा हो ही जाएगी। शैलेंद्र भाई, पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। निश्चित रूप से रायबरेली जनपद से गांधी परिवार का ही कोई व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, क्योंकि इस समय जनता की आस है। यहाँ तक कि विरोधी लोग भी कह रहे हैं कि यहाँ से गांधी परिवार का ही कोई व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि रायबरेली के लिए जो भी किया है गांधी परिवार के द्वारा ही यहाँ का विकास हुआ है। तो लोग चाहते हैं कि गांधी परिवार का ही कोई व्यक्ति अगर आएगा और जीतेगा और यहाँ रायबरेली जिले का विकास होगा, इसी आशा के साथ सब लोग हम लोग सब बैठे हुए हैं। पंकज, आप तो पहले भी यही कह रहे थे कि गांधी परिवार ही चुनाव लड़ेगा। मुझे याद है 3 महीने पहले मैंने आपका एक इंटरव्यू किया था जी, जी। तब भी आपने कहा था उम्मीद गांधी ही है जी। तो आपको पहले से कुछ मैसेज दिया गया होगा कि हाँ भाई गांधी ही रहेगा, बस खाली हम छुपा। आपकी ये कूटनीति थी या राजनीतिक सोच के तहत, एक प्लानिंग के तहत आप आगे बढ़ रहे थे? नहीं, इसमें कोई कूटनीति की बात नहीं है, क्योंकि जब सोनिया गांधी जी ने एक पत्र लिखा था और पत्र में ही उन्होंने लिखा था कि हमारे रायबरेली वासियों से इन्होंने आग्रह किया था, उन्होंने उनसे अनुरोध किया था रायबरेली वासियों से कि हमारे परिवार का ध्यान रखना। तो हम लोग जो रायबरेली के लोग हैं, रायबरेली के लोग कांग्रेस पार्टी को चाहते हैं, गांधी परिवार को चाहते हैं, तो हम लोगों का विश्वास था और पूरी आशा थी कि रायबरेली से गांधी परिवार का ही कोई व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, क्योंकि रायबरेली के लोग सोनिया जी के साथ, प्रियंका गांधी जी के साथ, राहुल गांधी जी के साथ हैं, पूरे गांधी परिवार के साथ हैं, क्योंकि रायबरेली का जो भी विकास हुआ है गांधी परिवार के द्वारा ही किया गया है। तो ये थी रायबरेली की पूरी कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस की इकाई, जिसका साफ कहना है कि शाम तक एक प्रभावी और आदेशित पत्र आ जाना चाहिए। हालांकि इनकी तैयारियां जोरों पर हैं। शैलेंद्र प्रताप सिंह, रायबरेली, यूपी तक।